इसी के साथ ही सबसे पहले मैं चाहूंगी उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा जी को कि वो मंच पर आए और हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए अपने शब्द यहाँ पर रखें। फर्स्ट इंडिया के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डिविजनल कमिश्नर आदरणीय भाले साहब, मंच पर विराजे हुए उदयपुर के जिला कलेक्टर माननीय चेतन जी देवड़ा साहब, मंच पर विराजे हुए आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय ओसवाल साहब, हमारे नगर निगम के उप महापौर साहब आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब, पीसीसी के पदाधिकारी आदरणीय और मेरे कॉलेज के दोस्त आदरणीय पंकज जी शर्मा साहब, फर्स्ट इंडिया के अधिकारीगण और यहाँ हम सबको निमंत्रित करने वाले फर्स्ट इंडिया के डॉक्टर रवि जी, इस सम्मानित कार्यक्रम में सारे कोरोना वायरस के सभी सम्मानित अधिकारीगण, उपस्थित प्रेस के सभी मेरे साथी मित्रों और दिल्ली इस ब्यूरो के काम देखने वाले अनीता जी हाड़ा, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं उन सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि 2020 जो हमारे सबके लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा, संकटमय चुनौतीपूर्ण और आपदा भरा एक वैश्विक महामारी से पीड़ित हम सब लोग रहे और उसमें एक वायरस के रूप में एक योद्धा के रूप में लड़ने वाले वो प्रमुख डॉक्टर्स हो, सुरक्षा के अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, सफाई कर्मचारी के अधिकारी हो, वो तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो आज फर्स्ट इंडिया ने ये जो बीड़ा उठाया सम्मानित करने का और आज जो सम्मानित हो रहे हैं, उन सबको मैं मेरी तरफ से, मेरे संसदीय क्षेत्र की तमाम जनता की तरफ से मैं आपके 2021 में बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। मुझे याद है जब कोरोना के वैश्विक महामारी में 22 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था और जनता से आह्वान किया था कि हम एक दिन के लिए कर्फ्यू में रहेंगे, तो आज मैं उन तमाम लोगों को भी बधाई और शुभकामना देता हूँ जिन्होंने इस पूरे देश में जनता कर्फ्यू के रूप में पूरे देश को सैल्यूट किया था और उस सैल्यूट में उसके बाद लॉकडाउन प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी लॉकडाउन में वो जो हमारे डॉक्टर्स, जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के वो अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले, चाहे वो हमारे सीएमएचओ साहब हो, चाहे आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हो, या उनसे जुड़े हुए तमाम जो निजी मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर, डीन, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, मतलब यानी कि वार्ड बॉय से लेके ऊपर तक के टेक्नीशियन, उन सब लोगों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर और लड़ाई को यहाँ तक ले आए हैं। एक सफलतम लड़ाई जीतने की कगार पे हम तक आज हम खड़े हैं, लेकिन अभी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी जो कोरोना गाइडलाइन है भारत सरकार की, राज्य सरकार की, हम उसको भूल जाए जब तक सभी का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। अभी तो जो चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफाई कर्मियों के वैक्सीनेशन का काम होने वाला है, लेकिन उसके बाद जनता का या जो इससे पीड़ित रहे हैं उन लोगों का होगा, तो इसमें अभी वक्त लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर के अंदर अंदर ये सब काम होने वाला है। मैं आप सबकी तरफ से, मेरे तमाम जनता की तरफ से आज सम्मानित होने वाले सभी अधिकारियों का बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मुझे एक बात कहनी है, फर्स्ट इंडिया बार सरकारी नौकरी छोड़कर
2003 में एमएलए बना और मैं एमएलए बन के राजस्थान की विधान, और मुझे जिनका अभी शो देखा, मिस्टर जेसी कातिल साहब, जगदीश चंद्रा कातिल साहब को हमने जब वहाँ एक अधिकारी के रूप में देखा, एक आईएएस के रूप में हमने देखा, और आज पूरे देश में जिस तरह से उनका फर्स्ट इंडिया का जो प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया जाता है, मैं मेरी तरफ से उनको बहुत बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं और शुभकामना प्रेषित करता हूं। विशेष करके 12:01 होती है और मेरे पास जो दिल्ली से आए अनीता जी हाड़ा है, उनका न्यूज मेरे पास आ जाती है, हर व्यक्ति के पास चली जाती है कि आज की न्यूज ये रही। जयपुर की न्यूज क्या थी अनीता जी, आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज जयपुर की न्यूज क्या रही, और अभी अभी लखनऊ से भी आपने शुरू किया है, लखनऊ के न्यूज भी आज पिछले 10-15 दिन से हमारे पास आने लगी है। तो आपको उदयपुर की तमाम जनता की तरफ से, लेक सिटी उदयपुर की तरफ से, मेरी तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए बधाई और शुभकामना देता हूँ। मैं डॉक्टर रवि जी को भी बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आपने हमें ऐसे, हमारे जिला कलेक्टर जिन्होंने इनकी लीडरशिप में, आज डॉक्टर अरविंद सिंह जी हो, हमारी चेतना जी भाटी हो, हनुमान सिंह जी सीआई जो डिप्टी बन गए हिरणमंगरी थाने के हो, या तमाम हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, जितने हमारे रोबिन सिंह जी हैं, या सेवा आगे बढ़ के इस कोरोना काल में जिन्होंने सेवा का काम किया है, मैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मत समझना कि हमारा काम कोई कम रहा है, इसमें तमाम लोगों का काम सबसे आगे बढ़ कर रहा है और आज सम्मानित भी हुए हैं। मैं फर्स्ट इंडिया को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और आगे भी ये जो कोरोना वैश्विक महामारी इस है, तब तक ये जितने भी लोग इस काम में लगे हुए हैं वो आगे बढ़ के करते रहेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार इन सभी संस्थाओं के साथ, इन सभी अधिकारियों के साथ, और हमारे जितने भी ये बैठे हुए जो हमारे अधिकारी हैं, इन्होंने भी इस पूरे क्षेत्र में रात दिन, पहले जब मार्च में लॉकडाउन लगा था तो कलेक्टर साहब की टीम आती थी, कमिश्नर साहब की टीम आती थी, पुलिस की टीम आती थी, और ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला हो गया, पूरी गाड़ियां उस पेशेंट को उठा के ले जाते थे, वो सीन भी लोगों ने देखा है, लोग साउथ के राज्यों से पैदल चल के यहाँ तक आए, वो सीन भी हमने देखा है, बहुत ही संकटमय स्थिति रही, लेकिन उससे लड़कर हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका सेवा का काम जो है आप करते रहेंगे, और इसी तरह से हमें देश को आगे बढ़ाने में आप आगे बढ़ के काम करते रहेंगे। सभी अधिकारियों का पुनः बधाई और शुभकामना देते हुए डॉक्टर रवि जी, उनकी पूरी टीम का, और दिल्ली से आई हुई मैम और उनकी पूरी टीम का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद महोदय आपका अपनी बात रखने के लिए, और साथ ही